हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहां पे एनटीपीसी कंपनी के रिलेटेड यहां पे क्या है, अक्टूबर 1 को इसका एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पे क्या निकल के आया हुआ, जिसके कारण कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट लाइक देखने को मिल भी रहा है। एनटीपीसी का अगर आप देखेंगे न्यूज, ये निकल के आया हुआ है कंपनी को। एक्चुअली यहाँ पे देखा है, दो प्रोजेक्ट एक्चुअली कंपनी को मिले हुए, कंपनी के सब्सिडरीज को भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो कि आपको पता है कि एनटीपीसी मीन्स एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये तो आपको पता है, इसका आईपीओ भी आने वाला है, एनटीपीसी कंपनी की ये सब्सिडरी है, इसका भी आईपीओ आएगा भी। अभी फिलहाल ज्यादा कुछ अपडेट आया नहीं हुआ है, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ कंपनी के अपडेट आए हुए हैं। फर्स्ट जो कंपनी को ऑर्डर जो प्रोजेक्ट मिला 50 मेगावोल्ट का मिला है, जो कि आउट ऑफ 220 मेगावोल्ट के का है। एंड ये जो प्रोजेक्ट कंपनी का रहेगा कहाँ पे, सहजपुर सोलर प्रोजेक्ट इन मीन सहज सहजपुर में रहेगा इसका प्रोजेक्ट, जो कि एक एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी का क्या है, ये प्रोजेक्ट कंपनी क्या करने वाली है, जो कि सहजपुर में है। एंड सेकेंड पार्ट जो इसका प्रोजेक्ट का है, वो कंपनी कौन सी कंपनी करेगी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि ये सब्सिडरी किसी कंपनी की, एनटीपीसी कंपनी की है। एंड ये कंपनी को एक जो प्रोजेक्ट मिला 98.78 मेगावोल्ट का मिला, जो कि आउट ऑफ 300 मेगावोल्ट का, जो कि शंभू की बुरी में कंपनी को ये सेकेंड सोलर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, जो कि कंपनी को राजस्थान में का कंप्लीट करना है, क्या है, बीकानेर साइट में, बीकानेर साइट में। तो ये कंपनी का एक्चुअली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट कंपनी का जो एनटीपीसी ग्रुप अगर पूरा टोटली इसका करेंगे, सो जो अभी देखा जाएगा जो कंपनी का द टोटल इंस्टॉल कमर्शियल कैपेसिटी ऑफ एनटीपीसी हैज ग्रुप हैज बिकम अ 7,000 कितना 76,442.78 मेगावोल्ट का होता है। तो ये कंपनी ने यहाँ पे क्या इन्फॉर्म किया हुआ है, एक काइंड ऑफ ज्यादा नहीं, बट कंपनी को दो प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या रिसीव हुए है। एंड प्रोजेक्ट रिसीव होने का कंपनी की शेयर प्राइस में काफी अच्छा एक मूवमेंट क्या देखने को मिला भी है। सो इनकेस इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालते हैं, हो सके तो इसमें पैसा आप खरीद ही लीजिए, सॉरी पैसा नहीं, एक्चुअली इसका शेयर ही आप खरीद लीजिए, बिकॉज शेयर होल्डर कोटा का अगर कुछ इसका जब आईपीओ आएगा, शेयर होल्डर कोटा का भी रहेगा इसमें, तो डेफिनेटली आपके आईपीओ आईपीओ लगने के इसमें चांसेस हो सकते हैं। तो हो सके तो एनटीपीसी का शेयर आप पहले से ही खरीद लीजिएगा। सो ये था कंपनी का ब्रेकिंग न्यूज, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पर डाल रहे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते फॉर द लेटेस्ट न्यूज के लिए। सो गाइस, लाइक से जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।